हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकी बीज। आज मैं आपकी डिमांड पे थॉमसन के न्यूली रिलीज क्यूलेट टीवी का रिव्यू लेकर आई हूँ, जो बहुत ही कम प्राइस में मिलने वाला रियल क्यूलेट टीवी है, जिसमें आपको बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स के साथ साथ बढ़िया ऑलराउंड परफॉर्मेंस भी मिल जाता है। ये टीवी प्योरली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, जो SPPL की नोएडा बेस्ड कंपनी में मैन्युफैक्चर होता है। टीवी की परचेज लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से इस टीवी को परचेज कर सकते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको थॉमसन और ब्लॉपन टीवी का साइड बाय साइड कंपैरिजन भी दिखाऊंगी। तो चलिए अभी वीडियो इस टीवी की अनबॉक्सिंग से स्टार्ट करते हैं। ये है थॉमसन का 55 इंचेस 4K क्यूलेट टीवी, 55Q55H1001 टीवी। बॉक्स के अंदर टीवी के अलावा आपको एक स्टैंडर्ड रिमोट मिलता है, जिसमें Amazon Prime, YouTube और Netflix के अलावा एक एक्स्ट्रा बटन दिया गया है, जिसे आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके किसी भी एप्लीकेशन का शॉर्टकट बना सकते हैं। इसके अलावा रिमोट में Google असिस्टेंट का बटन भी दिया गया है। रिमोट के अलावा बॉक्स में 2 AAA बैटरीज, एक वॉल माउंट, 2 पीस प्लास्टिक लेग्स, एक यूजर मैनुअल गाइड, एक AV केबल और एक पावर कॉर्ड रखी मिलती है। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो इस टीवी में 3 HDMI और 2 USB पोर्ट्स दी गई हैं। इसमें आपको HDMI, ARC और CEC दोनों ही मिल जाती हैं। इसके अलावा इस टीवी में RF इन पोर्ट, AV पोर्ट, ऑप्टिकल डिजिटल पोर्ट, एंटीना पोर्ट और इथरनेट पोर्ट भी दी गई हैं। ये टीवी डुअल बैंड वाईफाई, बिल्ट इन क्रोमकास्ट और ब्लूटूथ वर्जन 5.0 के साथ आता है। टीवी की बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो इसका कंस्ट्रक्शन अच्छा है। 3 तरफ से टीवी बेजललेस है और नीचे का ग्रे बेजल बहुत ही स्लिम है। यहाँ सेंटर में टीवी की ब्रांडिंग दी गई है, जिसके नीचे एक फिजिकल ऑन ऑफ बटन दिया गया है। टीवी के लेग्स प्लास्टिक के हैं, लेकिन उनका अपीयरेंस स्टाइलिश है। बैक की बात की जाए तो टीवी के बैक को हाई ग्रेड ABS प्लास्टिक से कंस्ट्रक्ट किया गया है। इस टीवी में पोर्ट साइड्स में दी गई है, जिससे उन्हें एक्सेस करना इजी हो जाता है। टीवी की साइड प्रोफाइल भी बहुत ही स्लिम है। ओवरऑल ये टीवी देखने में काफी स्मार्ट लगता है। अब बात करते हैं कंपनी गिवन फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस की। तो ये एक 4K QLED टीवी है, जो 550 nits ब्राइटनेस के साथ आता है। इस टीवी में 1.1 बिलियन कलर्स को क्रिएट करने की एबिलिटी दी गई है। Dolby Vision, HDR 10+ और HLG तीनों का इस पे आपको सपोर्ट मिल जाता है। टीवी में Google TV UI दी गई है। इसके अलावा ये टीवी Dolby Atmos और DTS दोनों को सपोर्ट करता है। टीवी में 2 स्पीकर्स लगाए गए हैं, जिनका ऑडियो आउटपुट 40 वॉट्स है। इस टीवी का रिफ्रेश रेट 60 हर्ज है। इसमें MediaTek का ARM Cortex A53 क्वाड कोर प्रोसेसर लगाया गया है और ग्राफिक्स के लिए है माली G52 MC1 प्रोसेसर। अब बात करते हैं इस टीवी के रियल परफॉर्मेंस की। तो ये टीवी 10 बिट डिथरिंग पैनल के साथ आता है। इस टीवी की ग्रे यूनिफॉर्मिटी काफी अच्छी है, जिससे इस टीवी पे स्पोर्ट्स देखते समय आपको एक अच्छा साफ सुथरा फील व्यू मिल जाता है। टीवी में डर्टी स्क्रीन इफेक्ट हार्डली देखने को मिलता है। IPS पैनल टीवी के हिसाब से इस टीवी का कॉन्ट्रास्ट फेयरली डिसेंट कहा जाएगा। कंपनी के अकॉर्डिंग इसकी पीक ब्राइटनेस 550 nits है, लेकिन रियल में ये ब्राइटनेस 400 nits से ऊपर नहीं जाती है, लेकिन बजट कैटेगरी के टीवीज के लिए ये ब्राइटनेस काफी अच्छी कही जाएगी, क्योंकि हायर ब्रांड्स के एंट्री और मिड रेंज टीवीज में भी आपको 350 nits से ज्यादा ब्राइटनेस नहीं मिलती है। इस थॉमसन टीवी का कलर रिप्रोडक्शन बहुत ही शानदार है। कलर्स में ये टीवी ब्लॉपंथ और व्यू ग्लोलेट को छोड़कर सभी बजट क्यूलेट्स को बीट कर देता है। इसमें आपको सैमसंग क्यूलेट टीवी जैसे वाइब्रेंट और प्रीमियम कलर्स देखने को मिलते हैं। विविड और पंची कलर्स टीवी की पिक्चर क्वालिटी को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाते हैं, जिससे आप टीवी की स्क्रीन पे ग्लूड होकर रह जाएंगे। एक IPS पैनल टीवी के हिसाब से इस टीवी में अच्छे ब्लैक्स भी मिल जाते हैं। टीवी का HDR परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। पिक्चर्स बहुत ही डिटेल्ड और शार्प दिखती हैं। इनफैक्ट वो बहुत ही इंजॉयबल होती हैं। अब बात करते हैं HDR परफॉर्मेंस की। तो इस टीवी का HDR परफॉर्मेंस भी फेयरली डिसेंट है। डिसेंट से मेरा मतलब ये है कि वो सोनी के कॉस्टली टीवी जैसे X90 के जितना बढ़िया तो नहीं है, लेकिन बजट कैटेगरी के मोस्ट क्यूलेट टीवी से अच्छा कहा जाएगा। इस टीवी में HDR डार्क सीन्स में भी आपको बहुत अच्छी क्लेरिटी मिल जाती है। आप ब्लॉपंथ और इस टीवी दोनों पे नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज को कम्फर्टेबली इंजॉय कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि डार्क सीन्स के आने पे उन्हें फॉरवर्ड करने का मन करे,
क्योंकि डॉल्बी विजन और HDR कंटेंट्स के डार्क सीन्स भी इस पे सेटिस्फैक्टरी दिखते हैं। व्यूइंग एंगल्स की बात की जाए तो इस टीवी का व्यूइंग एंगल बहुत बढ़िया है। साइड से भी देखने पे हार्डली कोई कलर डिस्टॉर्शन दिखता है। अब बात करते हैं इसकी मोशन हैंडलिंग कैपेसिटी की, तो 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इस टीवी के फास्ट एक्शन और कैमरा पैनिंग सीन्स में मोशन ब्लर को रोक नहीं पाता है, जिससे ब्लर कभी कभी दिख ही जाता है, लेकिन ये इतना डिस्ट्रैक्ट नहीं करता है और गेमिंग के टाइम तो बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है। और क्योंकि ये एक IPS पैनल टीवी है, इसलिए टीवी के कॉर्नर्स पे आपको थोड़ी सी लाइट आती दिखेगी। ये कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि ऐसा IPS पैनल टीवीज में नॉर्मली होता है, जिसे हम IPS ग्लो कहते हैं। रही बात इसकी रिफ्लेक्शन हैंडलिंग कैपेसिटी की, तो अगर लाइट डायरेक्टली इसके स्क्रीन पे पड़ेगी तो आपको टीवी में ग्लेयर दिखेगा, वो इस टीवी में अवॉइडेबल नहीं होगा। ऑडियो की बात की जाए तो इसका 40 वॉट स्पीकर सिस्टम काफी पावरफुल है। इस टीवी पे आपको बहुत अच्छी ऑडियो सुनने को मिल जाती है, लेकिन बहुत अच्छा कहने से ये मत सोचिएगा कि इसकी ऑडियो किसी अच्छे साउंड बार के बराबर होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है। ऑडियो सफिशिएंटली लाउड और क्लियर है। आप इस टीवी को बिना साउंड बार के एक बड़े साइज रूम में भी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। दुनिया तबाह हो सकती है, हम मदद करेंगे, आपस में बात करेंगे, शायद कोई बेहतर आइडिया आ जाए। ठीक है, पहले इस बुरी खबर पर ध्यान दो। अब तक तुम लोगों ने एक भी मल्टीवर्स से आए ट्रेसपासर का पता नहीं लगाया है, तो अपने फोन उठाओ, इंटरनेट को छान डालो और उन पागलों को ढूंढ निकालो। एक दो जादुई मंत्र जानती हूँ, जैसे जब काम हो तो कहते हैं प्लीज। स्विच ऑफ करके म्यूजिक सुनने का फीचर भी दिया गया है। ये एक एंड्रॉइड बेस्ड टीवी है, जिसमें आपको गूगल टीवी UI भी मिल जाती है। गूगल टीवी UI आपके ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को बहुत सिंपल बनाकर आपका टाइम सेव करती है। इस टीवी में किड्स के लिए सेपरेट UI दी गई है, जहां वो अलग से लॉगिन करके आपके द्वारा सेट किए कॉन्टेंट्स ही देख पाएंगे। आप उनका व्यूइंग आवर्स भी इस टीवी पे रेगुलेट कर सकते हैं। टीवी में गूगल से कंपैटिबिलिटी भी दी गई है। आप इस टीवी से पेयर दूसरे स्मार्ट डिवाइसेस को गूगल असिस्टेंट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। इस टीवी में वीडियो कॉल्स के लिए गूगल डुओ ऐप दिया गया है। कास्टिंग की बात की जाए तो आपको उसके लिए गूगल होम ऐप अपने फोन में डाउनलोड करना होगा, और उसके बाद टीवी और फोन को एक ही नेटवर्क से कनेक्ट करके आप इस टीवी पे कास्टिंग कर सकते हैं। गेमिंग की बात की जाए तो वाइब्रेंट कलर्स होने की वजह से HDR गेमिंग भी इस टीवी पे काफी इंजॉयबल होती है। इस टीवी पे हालांकि हार्डकोर गेमिंग से रिलेटेड फीचर्स नहीं दिए गए हैं, लेकिन इसके ग्राफिक्स और विजुअल्स बहुत बढ़िया हैं, जो आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को इन्हांस कर देते हैं। अगर आप हार्डकोर गेमर नहीं है, जिसे ALLM हाई रिफ्रेश रेट और VRR की जरूरत है, तो आप इस पे गेमिंग अच्छे से एंजॉय करेंगे, क्योंकि टीवी का रिस्पांस टाइम भी डिसेंट है। गेमिंग करते समय कोई लैग या स्टटरिंग नजर नहीं आती है। एंड में मैं यही कहूंगी कि ये एक बहुत ही बढ़िया टीवी है, और जिन दामों में ये मिल रहा है वो एक स्टील डील ही कहलाएगी, क्योंकि इससे इन्फीरियर टीवीज इससे कहीं ज्यादा प्राइजेस पे मिल रहे हैं। अब बारी है आपको बताने की कि थॉमसन का ये टीवी इसी कंपनी के ब्लॉपन टीवी के सामने कहाँ स्टैंड करता है। तो आप खुद दोनों टीवीज की पिक्चर क्वालिटी देख लीजिए, दोनों की पिक्चर क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है। इस कंपनी की सबसे अच्छी बात यह है कि वो अपने हर कैटेगरी के कंज्यूमर्स के बजट को समझते हुए थोड़ा बहुत टीवीज के फीचर्स में ऑल्टरेशन करके प्राइस रिड्यूस कर देते हैं, लेकिन पिक्चर क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, और अच्छी पिक्चर क्वालिटी वाले टीवीज ही मार्केट में लाते हैं। अगर आपका बजट हाई है तो आप ब्लॉपन टीवी ले लीजिए।
उसमें आपको MEMC हाई ऑडियो पावर आउटपुट और थोड़ा प्रीमियम डिजाइन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो भी आप थॉमसन टीवी लेकर कुछ ज्यादा नहीं खोते हैं, क्योंकि इन दोनों टीवी की पिक्चर क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है और 40 वॉट का थॉमसन का ऑडियो आउटपुट भी बहुत बढ़िया है। हमारे लिए ये गर्व की बात है कि एक इंडियन कंपनी इंडिया में ही ऐसे अफोर्डेबल टीवीज बना रही है जो हाइसेंस और TCL जैसी चाइनीज कंपनीज के टीवीज को भी पिक्चर क्वालिटी में बीट कर रहे हैं। SPPL कंपनी के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी डेफिनेटली अच्छी है, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स के बिहाफ पे कंपनी को मैसेज देना चाहूंगी कि किसी भी प्रोडक्ट के सक्सेसफुल होने का राज उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं। इसलिए उन्हें चाहिए कि वो अपनी आफ्टर सेल सर्विसेज को इम्प्रूव करके कंज्यूमर्स को प्रॉम्प्ट और सेटिस्फैक्टरी सर्विसेज प्रोवाइड करें, फिर इनके टीवीज अपने आप अपनी अच्छी क्वालिटी के दम पे बहुत पॉपुलैरिटी गेन कर लेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।